स्वागत है सुमित गुप्ता गेमिंग में दोस्तों। एक और गेम प्ले जैक बुलवार का गेम प्ले है दोस्तों। कुछ टिप्स है, मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है अभी बुलवार। राउंड वन अपोनेंट है साइबर पंक, मार्कस से शुरुआत किया उसने फाइट, ग्रैब किया अप अटैक, रेंज वेपन, फिर से ग्रैब किया उसे अप अटैक के साथ। अगर अपोनेंट दोस्तों शैडो मूव में जाता है, चाहे वो कोई भी अपोनेंट हो, चाहे वो हेराल्ड का हो, डायनेस्टी का हो या फिर लीजन का हो, बुलवार अगर है फोर्ट्रेस के साथ, तो वेट जरूर कीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, यहाँ पे मैं वेट नहीं किया, उसका फ़ायदा उसने हैवी सॉल्ट से उठाया। यहाँ पे कॉम्बोज मेरा शैडो मूव का, वो रोल बैक किया, उसका बुलवार का जो लो अटैक है दोस्तों काफ़ी अटैक डॉच करने में काम आता है। होंगजू का ट्रायम्प आप लो अटैक से डॉच कर सकते हो, आई थिंक शायद उसका कुछ इशू हुआ है। जी हाँ, कोई बात नहीं, चलते हैं अगले अपोनेंट की तरफ। जो कि है जुल जुई, लेवल 11 का प्लेयर है, मैंने बुलवर्क लिया है। उसके कैरेक्टर्स काफ़ी दमदार है दोस्तों, समझ ही रहे हैं किस सेंस से बोल रहा हूँ मैं। युक्का जेट फायर गार्ड, फायर गार्ड का भी डैमेज पेनफुल बर्न्स के साथ काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। होंगजू और कीबो के बाद अगर मैं कोई कैरेक्टर रिव्यू करूँगा तो फायर गार्ड का करूँगा, लेवल 13 फायर गार्ड। अपग्रेड के लिए मेरे सारे हीरोज़ अब रेडी है दोस्तों। मेरे सारे हीरोज़ का कार्ड्स जो है, जितने भी कॉमन और रेयर है, वो लेवल 13 पे है। सिर्फ कॉइन्स चाहिए अपग्रेड करने के लिए। फ्रैक्चर बिल्ड के साथ मैं नहीं जाना चाहता हूँ डोजो लेवल के कारण, नहीं तो फ्रैक्चर बिल्ड अगर मैं यूज़ करूँ तो आप भी जानते हैं कि डैमेज कितना बढ़ जाएगा। हालाँकि मुझे फ्रैक्चर बिल्ड उतना पसंद नहीं है, मुझे ग्रेट रिएक्शन, शेडो इंड्योरेंस, यानी कि जो हम लोग का जो फोर्ट्रेस है और जो हम लोग का, और एक और कौन सा है पता नहीं, भूल रहा हूँ मैं। एग्रेशन तो खैर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 10 फ्रैक्चर के साथ तो आपका बिल्ड जो है, डैमेज जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। आजकल ये वाला मूव काफ़ी चालू है दोस्तों, ग्रैब करने के बाद जंप करते हैं लोग, उसके बाद फिर ग्रैब करते हैं या फिर कोई अटैक करते हैं, तो बेहतर है कि साइडवेज रोल अप कर ले। ये देखिए फोर्ट्रेस ऑफ द लीजन से मैंने नॉकआउट कर दिया और यहाँ पे ये फायर गार्ड जो है वो ख़त्म है। तो बेहतर है कि अब से किसी भी, अगर आप हीरो के साथ खेल रहे हो तो रिकवरी की कोशिश करना है कि ज़्यादातर नहीं करें, क्योंकि रिकवरी की करने पे हम लोग को और थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। जेट इनविजिबल, इनविजिबल मोड पे एक रेंज से ट्राई करते हैं पहले। जी हाँ, कनेक्ट हुआ। ये देखिए स्पेशल अटैक जो है बुलबर्ग का, वो काफ़ी बढ़िया है शॉर्ट रेंज में, अगर कोई अटैक को डॉज करना है उसके लिए। ये देखिए हैवी अटैक भी इसका बहुत बढ़िया है, लेकिन वही है कि टाइमिंग आपका सही होना चाहिए। और रहा सवाल दूसरा, अगर शैडो मूव इस्तेमाल करना है तो कोशिश कीजिए जब ओपोनेंट को ग्रैब करके गिराते हैं तो ही इस्तेमाल कीजिए। देखिए इसने यही अभी सोचा था यही करने का, अप अटैक करके फिर कोई इससे कॉम्बो करने का, लेकिन मैं रोल अप कर दिया वापस। उसका हारमोनी काफ़ी क्लोज है। जी हाँ, कोई बात नहीं, पेशेंट रहना है हम लोग को। फोर्ट्रेस बचाया, ये देखिए डेस्परेट मूव था दोस्तों मेरा शेडो मूव यूज़ करने का, क्योंकि हेल्थ बहुत लो था और यहाँ पे जेट ख़त्म है। आखिरी युक्का है, आप देखिएगा कल का भी वीडियो में मैंने दिखाया था, जैसे कि युक्का का जो शेडो मूव है वो डॉज हो सकता है ग्रेट रिएक्शन के थ्रू। तो थोड़ा सा प्लीज़ बुलवर्क अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो तो पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है बुलवर्क के साथ। ये देखो कॉम्बोज रुक जाता है ग्रेट रिएक्शन से जब शेड अटैक करती है, और फिर युक्का का जो कॉम्बोज आता है काफ़ी बढ़िया है ग्रेट रिएक्शन भी दोस्तों।
एक बात कहना चाहूँगा, आप लोग डैमेज पे मत जाना। जैसे मैं जब कीबो यूज़ करता था तो बहुत टाइम तक मैं कॉन्फिडेंस इस्तेमाल नहीं किया। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि डैमेज आपको कुछ मैच जिताएंगे, लेकिन जो शैडो सुपर मेसी है या फिर जैसे बुलबर का ग्रेट रिएक्शन है, वो आपको बहुत ज़्यादा मैचेस जिताएगा। बहुत जो क्रंच सिचुएशन होता है उससे आपको वो बचा सकता है, ग्रेट रिएक्शन, शैडो सुपर मेसी, ये सब। अब आयरन क्लैड एक ऐसा हीरो अब है नर्फ होने के बाद, कि उसका एड्रिनालिन बिल्ड ही सबसे उसके लिए बेस्ट है। क्योंकि जितना ज़्यादा स्टबर्नेस चार्जेस होगा इटर्नल अगर आप चुने हैं, तो आपका डिफेंस मजबूत होता है, और फेनोमिनल स्टबर्नेस जब एक्टिवेट होता है तो खास करके क्लैड का जो डिफेंस है बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। तो आयरन क्लैड अगर कोई यूज़ कर रहा है तो एड्रिनालिन बिल्ड के साथ ही यूज़ करें। ये देखिए उसका लिंक्स का हेल्थ, यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दिया मैं अपना अटैक लेट करके, नहीं तो वो फोर्ट्रेस से नॉकआउट हो जाता। हालांकि हेल्थ अभी भी इसका बहुत कम है। अच्छा, बातों में मैं बताना ही भूल गया कि ये एक और अपोनेंट है दोस्तों, मंकी दी फ्लफी नाम है इसका। चलिए उसका लिंक्स ख़त्म है, होंगजू नेक्स्ट है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं होंगजू का ट्रायम्प अब बहुत धीरे चार्ज हो रहा है, काफ़ी अच्छी बात है ये। अब होंगजू है थोड़ा सा बैलेंस, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा लो अटैक यूज़ कर नज़दीक से तो ट्रायम्प जो है वो डॉज हो सकता था। इस गेम प्ले में दिखाऊंगा, ये देखो कैसे ट्रायम्प लो अटैक से डॉज हो गया। लो अटैक बुलवार का काफ़ी अच्छा है डॉज करने के लिए। आयरन क्लैड का सुपरमैन पंच अगर डॉज करना है तो आप लो अटैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए फोर्ट्रेस यहाँ पे बचाया मुझे। रेंज वेपन का भी डैमेज बुलवार का काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे होंगजू ख़त्म। बेसिक अटैक बुलवार का काफ़ी असरदार है जेट के मुकाबले, जब अगर जेट इनविजिबल मोड पे हो तो, क्योंकि वो आपको थोड़ा टाइम तक अनब्रेकेबल मोड पे रखता है। अगर जेट अटैक कर रही है तो वो दिख जाएगी फिर। और फोर्ट्रेस अगर आप चुनते हैं तो फोर्ट्रेस का इस्तेमाल वेट करके ज़रूर करिए। देखिएगा इसमें मैं वेट करूँगा इस बार। अब अटैक देखिए डैमेज कितना डिसेंट था, नॉकआउट कर दिया उसको शेडो फॉर्म से। एक हिट पे ये अपोनेंट खत्म। जी हाँ, ग्रैब और यस, ये अपोनेंट खत्म। कोई ज़रूरी नहीं है कि शेडो मूव बुलवार का, अगर शेडो बार फुल हो चुका है तो हम लोग को इंस्टेंट वो यूज़ करना है। टाइमिंग सेट कर लीजिए, सबसे बेहतर ऑप्शन वही रहेगा जब आपके अपोनेंट क्लोज है। प्लस अगर ग्रैब करके आकर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। एक भाई ने मुझे कमेंट्स में कहा था कि बुलवार का शेडो मूव अनडॉजेबल, जो मैंने कहा था कि ग्रैब करने के बाद अनडॉजेबल है, तो क्रिटिकल हिट में, बिल्कुल क्रिटिकल हिट अगर कोई अपोनेंट करता है रिकवरी किक से तो वो टूट जाएगा। लेकिन अगर फिर वो दूसरा टैलेंट अगर हम लोग चुनते हैं फोर्ट्रेस ऑफ द लीजेंड के बगल वाला, तो फिर क्या है कि वो फिर काम नहीं करेगा। तो चांसेस बहुत कम रहते हैं कि क्रिटिकल हो रिकवरी किक में, बहुत रेयर चांस है कि क्रिटिकल हो रिकवरी किक में। नहीं तो 99% ग्रैब करके शेडो मूव करना काफ़ी एफिशिएंट रहता है, असरदार रहता है। और प्लीज़ सार्ज के साथ अगर खेल रहे हो तो आप लोग को पेशेंस रखना होगा। यहाँ पे देखो ग्रेट रिएक्शन वर्क नहीं किया क्योंकि मैं आपको रिकवरी मोड पे था। सार्ज का कमांडर प्रेस से बचना है, तो जब अगर देख रहे हो वो यूज़ कर रहा है तो कोई भी अनब्रेकेबल अटैक कर लो। और यहाँ पे देखो सार्ज ख़त्म हो गया। अपोनेंट नया है सनी प्रो, लेवल 11 का प्लेयर है। नेक्स्ट उसका मार्कस है, एक्सप्लोजिव विल, ऑल कंज्यूमिंग केओस और हीलिंग इनविंसिबिलिटी के साथ गया है वो, साथ में शैडो लॉर्ड और जनरल स्लग जो कि ऑब्वियस है। ये देखो यहाँ पे मैं जानता था कि वो हैवी करेगा, इसलिए मैंने शुरुआत शैडो मूव से किया। थोड़ा सा एंटिसिपेशन भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अपोनेंट को समझना पड़ेगा। एक फर्स्ट अगर आप बैटल करते हो किसी भी अपोनेंट के साथ तो आप कुछ हद तक उसके मूव्स और उसके खेलने का तरीका समझ सकते हो।
और ग्रैब करने के बाद अप अटैक काफ़ी असरदार रहता है दोस्तों, फोर्ट्रेस अगर एक्टिवेट है तो भी, अगर फोर्ट्रेस एक्टिवेट नहीं है तो भी। यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो फोर्ट्रेस ऑफ द लीजेंड नॉकआउट जरूर करता। ये देखो बेसिक अटैक किया, काफ़ी दूर है वो, पास नहीं आ रहा है। खैर कोई नहीं, उसका मार्कस हार गया है। बुलवार के साथ हार बढ़ाने का कोई काम नहीं है दोस्तों, आपके पास लगभग 1.5 मिनट का समय रहता है, आराम से यूज़ करो। हाँ, ज़्यादा पीछे होने की ज़रूरत नहीं है, अगर अपोनेंट दूर है तो स्पेशल अटैक यूज़ करके अपना दूरी कम कर सकते हैं। यहाँ पे फोर्ट्रेस एक्टिवेट है, ये देखिए एशेंशन मूव का स्पैम। मंकी किंग के साथ भी दोस्तों पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। जी हाँ, एक गलती मेरी, मुझे अप अटैक करना चाहिए था। खैर कोई नहीं, क्लैट से ख़त्म करते हैं जल्दी। संडे को होगा तो मैं लाइव स्ट्रीम करने की कोशिश करूँगा दोस्तों, संडे को मैं घर पे ही रहता हूँ, संडे को हम लोग के यहाँ कंप्लीट लॉकडाउन रहता है। आशा करता हूँ गेम प्ले पसंद आया होगा। डबल हॉप से भी आप मंकी किंग का जो जिंगू अटैक है और जो एसेंशन है वो आप डॉज कर सकते हो, अगर आप क्लोज हो तो। दूर हो तो फिर जंप किक या जंप से ही डॉज हो सकता है वो, लेकिन वही है कि टाइमिंग बहुत प्रिसाइज रहना होगा। यहाँ पे ग्रैब करने का मौका मिला मुझे, शेडो मूव, और ये यहाँ पे ये मंकी किंग खत्म। शायद इस गेम प्ले का आखिरी, इस वीडियो का आखिरी गेम प्ले आएगा दोस्तों। चलते हैं आखिरी अपोनेंट की तरफ, जो कि है डेविल गेमिंग लेवल 11, युक्का मार्कस आयरन क्लैड। मैंने बुलवार लिया है ऑब्वियसली, क्योंकि बुलवार के ऊपर बन रहा है ये वीडियो। उसने चुना है आयरन क्लैड, सेम बिल्ड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो कि है एड्रीनालिन बिल्ड। फेनोमेनल स्टबर्नेस चार्जेस, इटर्नल स्टबर्नेस, एड्रीनालिन, बजक और इनेट स्टबर्नेस। फाइट, यहाँ पे ग्रैब करने का उसे मौका दे दिया, क्रिटिकल। यहाँ पे फिर से रेंज वेपन के साथ ग्रैब करने का मौका। एक और बात कहना चाहूँगा, देखिए कॉर्नर प्रेशर में कभी कभी होता है कि हम लोग अटैक्स करते रहते हैं, जिसका फ़ायदा जो है अपोनेंट्स को होता है, जैसे इसको हो रहा है। तो अगर कॉर्नर में फंस जाते हैं तो कृपया अपने अटैक्स को ब्लॉक करिए और फिर काउंटर कीजिए। अगर अटैक मोड पे रहेंगे तो अपोनेंट को ही फ़ायदा होगा। चलिए यहाँ पर मीटियोर कनेक्ट हो गया, और यहाँ पर क्लैड ख़त्म है। अगर फ्रैक्चर बिल्ड अभी यूज़ करता तो काफ़ी पहले ही ख़त्म हो सकता था, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्चर बिल्ड मैंने यूज़ नहीं किया है। तो आप भी जानते हो कि 300 के करीब है बुलवार का लेवल 13 पे डैमेज, जो कि बिना फ्रैक्चर्स के काफ़ी कम है लेवल 13 पे, डोजो 13 पे भी। अगर युक्का जेट से परेशान है तो अपने टीम में बुलवार, आयरन क्लैड और होंगजू को ज़रूर रखना है। ये देखिए कैसे जो ग्रेट रिएक्शन है, डॉच कर दिया शैडो मूव को, काफ़ी बढ़िया है ग्रेट रिएक्शन। सार्ज का हैमर थ्रो से भी बचाता है हम लोगों को। ये देखिए हैवी और युका ख़त्म। हैवी का भी टाइमिंग काफ़ी प्रिसाइज करना है दोस्तों, अगर देख रहे हो अपोनेंट जंप करने वाला हो तुरंत हैवी कर दो, और हैवी का डैमेज आप जानते हो बुलवार का काफ़ी बढ़िया है। आखिरी है उसका मार्कस, कोशिश करते हैं इसको भी हराने का। हेल्थ हालांकि बुलवार का काफ़ी कम है। आजकल हॉप करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, मैं पहले हॉप नहीं करता था, आजकल मैं हॉप करने का कोशिश कर रहा हूँ, और अब मैं लगता है कि मुझे वो
काफ़ी अब इजी लग रहा है हॉप करके, ग्रैब करके या फिर उसके बाद कोई अटैक करना, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि ओपोनेंट काफ़ी दूर दूर तक रह रहे हैं। यहाँ पे शेडो मूव नाकाम हो गया। देखिए पिछले मैच में मैंने यही गलती किया था कि मैं हैवी इस्तेमाल कर रहा था जबकि मुझे अप इस्तेमाल करना चाहिए था। ये देखिए क्रिटिकल डैमेज, क्रिटी ऑफ हैवी का डैमेज देखिए लगभग, ओहो सिर्फ 8 HP से दोस्तों मैं हार गया। कोई नहीं, हेल्गा से ख़त्म करेंगे इसको। आशा करता हूँ ये बुलवर्क का गेम प्ले, कुछ टिप्स जो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए, पसंद आया हो। कृपया कमेंट्स में ज़रूर बताएं। डेस्परेट मूव उसका शेडो मूव यूज़ करने का। 64 HP है, यस। चलिए दोस्तों वीडियो ख़त्म हो रहा है, आशा करता हूँ पसंद आया होगा, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। गुड बाय।